नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LIC कंपनी आपका पैसा कहां कहां पर लगाती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। मैं आपको कम्प्लीटली LIC कंपनी के बारे में बताऊंगा, जिस LIC कंपनी में आप अपना पैसा विश्वास के साथ इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी आपका पैसा कहाँ कहाँ पर लगाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो माना गया है वो LIC को माना गया है, मतलब सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट LIC कंपनी को ही माना गया है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि LIC कंपनी में इन्वेस्ट हुआ आपका जो भी पैसा है वो ये कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, LIC कंपनी जो है ना वो ज़्यादातर आपके पैसे को शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करती है। अब आप तो शेयर बाज़ार को बेकार मानते हो, मतलब ज़्यादातर लोग भारत के अंदर शेयर बाज़ार को जुआ मानते हैं, लेकिन LIC पे तो आप भरोसा करते हो ना, भरोसा करके आप LIC में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। लेकिन LIC कंपनी ही शेयर बाज़ार में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, ज़्यादातर पैसा। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर बाज़ार में तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। LIC कंपनी में बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करना जानते हैं, इसीलिए वो आपके पैसे को शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करके वहाँ से लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाते हैं, तभी तो वो आपको आपका पैसा दे पाते हैं। मतलब आप जितना भी पैसा LIC में इन्वेस्ट करते हैं वो आपके पैसे का 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके LIC कंपनी आपको देती है। तो भाई वो अपनी जेब से तो देगी नहीं कंपनी, वो कहीं ना कहीं से तो कमाएगी, तभी तो आपको आपका पैसा देगी। मतलब कहने का यह है कि आप LIC में पैसा लगा करके अपने पैसे को एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, और वही पैसा शेयर बाज़ार में लगता है, अलग अलग जगह पर लगता है जहाँ से LIC कंपनी पैसा कमाती है, तब जा करके वो आपको आपकी LIC का पैसा दे पाती है। दोस्तों आपको शायद यकीन नहीं होगा कि LIC कंपनी ने कोरोना काल में भी शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। दोस्तों अगर मैं आपको एक साल का बताऊँ ना, एक साल का टर्नओवर अगर आपको मैं LIC का बताऊँ, तो LIC आपके पैसे से ना हर साल 2 लाख करोड़ रुपए कमाती है। दोस्तों आपको सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि हर साल LIC कंपनी शेयर बाज़ार में जो है 2 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्ट करती है, और लगभग लगभग इससे ज़्यादा पैसा वो कमा लेती है। 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। आपको यकीन नहीं होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि LIC कंपनी शेयर बाज़ार से आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे से हर साल कितना पैसा कमा लेती है। मतलब सालाना तो वो 2-3 लाख करोड़ रुपये लगाती है, और उसका कई गुना कमा भी लेती है। 8-10 लाख करोड़ रुपये तो वो हर साल कमा भी लेती है, तभी तो वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए दे पाती है। दोस्तों इसके अलावा LIC कंपनी म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा लगाती है, शेयर बाज़ार में तो लगाती ही है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में लगाती है, रियल एस्टेट में लगाती है, कुछ सरकारी स्टॉक में भी लगाती है, सरकारी शेयर्स में भी लगाती है, कुछ प्राइवेट शेयर्स में लगाती है, मतलब अलग अलग जगह पे वो लगाती है। दोस्तों मैं आपको कुछ कंपनी के नाम बताता हूँ जहाँ पे LIC काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। दोस्तों एक तो फार्मा सेक्टर में LIC कंपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, और दूसरा IT सेक्टर में भी LIC कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। क्योंकि दोस्तों फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर हमेशा ग्रो करते हैं, इस वजह से वहाँ पे LIC कंपनी आपका पैसा ज़्यादातर इन्वेस्ट करती है। दोस्तों फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर में ना बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें LIC कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मोटी रकम कमाती है, तब जाके वह आपको आपकी LIC का पैसा दे पाती है। दोस्तों अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो LIC कंपनी आपका पैसा SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों में आपका पैसा वो इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों LIC कंपनी ने आपका पैसा इंडियन ऑयल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, अलग अलग ऑयल की कंपनियों में भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों LIC कंपनी ने आपका पैसा अल्ट्रा टेक सीमेंट में भी लगाया है, बाटा कंपनी में भी लगाया है, मतलब बहुत सारी शूज़ की कंपनी हो गई, कपड़ों की कंपनी हो गई, घर मकान के जो मटेरियल होते हैं, घर मकान में लगने वाला जो मटेरियल होता है जैसे कि सीमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों, और रंग पेंट हो गया, इन सभी कंपनियों में LIC कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है आपका पैसा। हिंदुस्तान लीवर के भी स्टॉक में LIC कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। दोस्तों LIC कंपनी की जो शुरुआत हुई थी ना वो 1956 में हुई थी,
1956 से लेकर अभी तक इसको लगभग 65 साल हो चुके हैं, 64 से 65 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि LIC कितना सेफिस्ट है, मतलब कितनी सेफ है। तो LIC में आप जो है अपना पैसा लगा सकते हो और एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। तो दोस्तों मैंने अब आपको बता ही दिया है कि LIC किस किस सेक्टर में आपका पैसा लगाती है, कौन कौन से शेयर में पैसा लगाती है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में भी पैसा लगाती है, वो हर तरह से अलग अलग चीज़ों में पैसा लगाती है। दोस्तों LIC में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो आपका पैसा लगाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं मतलब इस फील्ड में। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका पैसा एकदम सेफ रहता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट करके आप मुझसे जो पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो LIC को लेकर, जिसका रिप्लाई आपको मैं अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसी LIC से जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।